उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वाले जितिन प्रसाद को अपने कैबिनेट में ज्वाइन करवाकर ब्राह्मण वोटर्स को भी संदेश देने का प्रयास किया, जिनके बीजेपी से नाराज होने की आजकल काफी बातें कही जा रही हैं और इसका कारण यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में ब्राह्मणों को उचित जगह नहीं दी गई। योगी सरकार से ब्राह्मणों की इस नाराजगी को भुनाने के लिए विपक्षी दलों ने भी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। बीएसपी ने ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए जगह जगह सम्मेलन करके अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, जिसकी शुरुआत बीएसपी ने 23 जुलाई को अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन से कर दी। मायावती ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन में वादा किया कि अगर बीएसपी की सरकार बनी तो ब्राह्मणों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। बीएसपी हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करने की मुहिम में भी जुटी हुई है। बीएसपी के कार्यक्रम शुरू होते ही अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी की रणनीति बनाने के लिए पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं की एक टीम बना दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने 22 अगस्त से जिला स्तर पर ब्राह्मण सम्मेलन के द्वारा ब्राह्मण वोटर्स तक अपनी पैठ बढ़ाने की कसरत शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने तो परशुराम की प्रतिमा लगवाने का ऐलान भी कर दिया है। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह से ब्राह्मण वोटर्स के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की कुल आबादी ही करीब 13% है। लेकिन बीजेपी की दृष्टि से ब्राह्मण वोटर्स का महत्व कितना है, इसे आप ऐसे समझिए कि वर्ष 2017 के चुनाव में जब बीजेपी जीती तो 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। उससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को 38% ब्राह्मण वोट मिले थे, तब समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40% ब्राह्मणों के वोट मिले थे, तब मायावती सत्ता में आ गई थी। मतलब यह हुआ कि आबादी ब्राह्मणों की भले ही कम हो, लेकिन ब्राह्मणों का प्रभाव समाज में इससे कहीं ज्यादा है। ब्राह्मण समाज राजनीति की हवा बनाने में भी सक्षम है। 1990 से पहले तक सत्ता तो उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो ज्यादातर ब्राह्मणों के हाथों में ही रही। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 1989 तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन चुके थे। गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र, नारायण दत्त तिवारी, ये सभी कांग्रेस के नेता थे। इनमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगर इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को हम देखें तो करीब 23 साल तक उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथ में रही है। 1989 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई और ना ही उत्तर प्रदेश को कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिला। 2017 के चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी का जमकर समर्थन किया, लेकिन इस समुदाय का मानना है कि बीजेपी सरकार में उन्हें वैसी तवज्जो बिल्कुल नहीं मिली जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के बीजेपी से रूठने के कारण ये हैं कि 2017 के चुनाव में बीजेपी के कुल 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण चुनकर आए, लेकिन योगी सरकार के 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में सिर्फ 9 ब्राह्मण मंत्री बने। दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा को छोड़ दें तो किसी ब्राह्मण मंत्री को महत्वपूर्ण विभाग भी नहीं दिया गया, और यही कारण है कि अब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है, योगी सरकार ब्राह्मण वोटर्स की नाराजगी को दूर करने में जुट गई है और विपक्षी दल ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में जोड़ने के लिए हाथ पैर मान रहे हैं, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस से आने के बाद भाजपा, और अब एक इतना बड़ा जिम्मेदारी आपको मिला है, कैसे देख रहे हैं? जाहिर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा विश्वास है, और सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, गृहमंत्री अमित शाह जी का और मुख्यमंत्री योगी जी का, कि जो उन्होंने सम्मान दिया है, जो विश्वास व्यक्त किया है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँ और पूरे लगन से, मेहनत से, जो देश है जनसेवा का, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अगर हम कुछ परिवर्तन ला सकें, उनके जीवन में बढ़ोतरी ला सकें, तो अपने आप को सफल मानूँ। बातचीत हुई कुछ अंदर सीएम से, केशव मौर्य से? नहीं, वो आने वाले समय में, अब आज ही का दिन शपथ ग्रहण का हुआ है और बात भी होगी, चर्चा भी होगी, रणनीति भी होगी, और उनके मार्गदर्शन में कार्य किया जाएगा। नीतीश त्रिपाठी जो है कांग्रेस छोड़ चुके हैं, आप भी चलेगा, कितना झटका कांग्रेस के लिए है और भाजपा के लिए कितना फायदा? नहीं, मैंने पहले ये आप कहा भी है कि महत्वपूर्ण ये है कि मैं कहाँ आया हूँ, महत्वपूर्ण ये नहीं है मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि जहाँ मैं आया हूँ एक संस्थागत दल है। असली माने में अगर कोई कहा जाए देश में कोई राष्ट्रीय दल है तो भारतीय जनता पार्टी है,
एक सक्षम नेतृत्व है। विश्व भर में जो भारत की जो साख बढ़ी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की देन है। तो प्रयास ये रहेगा कि विश्व पटल पे भी और ग्रामीण क्षेत्र के धरातल में भी जाके हम लोग जनता का विश्वास हासिल करें, मेहनत करें और सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री जी के का दिशा निर्देश है उस पर कार्य करें। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, बताया गया ब्राह्मण बड़ा खफा है भाजपा से, आपका आना एक ब्राह्मण फेस की तरह और अब विस्तार में आपको मिनिस्टर की जगह मिलना कैसे देख? नहीं, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और प्रयास यही रहेगा कि सबको जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ उत्पीड़न है, जहाँ कोई और बात है, पूरे लगन और प्रयास से मैंने कहा है मैं काम करूँगा।